दोस्तों को अपने चैनल काली लिनक्स हैकर में फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे आप लोगों ने देख लिया कि मैक एड्रेस होता क्या है और ये कैसे काम करता है, अब जो हमारा प्रैक्टिकल काम होगा कि हम अपने सिस्टम का मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट अगर कनेक्टेड हो, वाईफाई कनेक्टेड हो या तो फिर ब्लूटूथ कनेक्टेड हो, तो शुरू करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मैक एड्रेस डिवाइस की मैक एड्रेस क्यों चेंज करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जितने भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी मैक एड्रेस को चेंज करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क की, तो वो अटैकर से छुपा होगा। इस तरह से अटैकर्स उनके आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और वो बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अपने टर्मिनल में ओके। अपना टर्मिनल ऑन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ अपने मैक चेंजर को ऑन करेंगे। मैक चेंजर शुरू होता है जो काली लिनक्स में काम करता है, जिसकी मदद से हम अपने जो मैक एड्रेस है उसे चेंज कर लेते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक कमांड लिख रहा हूँ H-H, इसका मदद से हम मदद मांग रहे हैं। मैक एड्रेस को कॉल करने के बाद हम एक मदद मांगेंगे, जहाँ पे वो सारे इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम मैक चेंजर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है L पे हम वर्जन भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं मैक चेंजर का वर्जन फाइंड करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कैपिटल V टाइप कर दें, यहाँ पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरी है। जैसे कि मैं मैक चेंजर 1.7.0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्वेरो लोपेज डेवलपर है, इसने ये डिज़ाइन किया है। तो शुरू करते हैं, जो हमारा मेन काम है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने मैक एड्रेस देखेंगे। मैक एड्रेस के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको डिवाइस का नाम मालूम हो, जैसे कि अगर ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं या वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको फाइंड करने के लिए हम टर्मिनल से एक न्यू विंडो खोलेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आएंगे, जैसे कि यहाँ ये, उसके बाद सेकेंड लाइन पे और थर्ड लाइन पे। यहाँ पे मैक डिवाइस का नाम कहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे ETH0, ये इंटरनेट केबल जो हम कनेक्ट करते हैं, ये इसके डिवाइस का नाम है। और जो वाईफाई मैंने कनेक्ट किए वो WN0 के नाम से, ये दोनों डिवाइसेस के नाम हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अपनी जो इंटरनेट केबल कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप कैसे टाइप करेंगे। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे जब मैक चेंजर को शो करने का कमांड जो है ये है, तो -H टाइप करेंगे। इसके बाद हम वो डिवाइस का नाम यहाँ पे टेस्ट करेंगे जो हमने वहाँ पे इंटरनेट था ETH0, जो हमारा इंटरनेट केबल है, तो इसे इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मैक एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे ये हमारा डिवाइस का जो इंटरनेट केबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ये उसका रियल मैक एड्रेस है। तो इस मैक एड्रेस को मैं चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस मैक एड्रेस को कॉपी करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको कोई पर्सनल मालूम है मैक एड्रेस का, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो मैक एड्रेस को चेंज कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मैक चेंजर लिखने के बाद हम ये यहाँ से ये कमांड उठाएंगे, जैसे कि -M,
इसका मतलब है जो मैक एड्रेस हम खुद अपनी से सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डैश एम लिखूँगा, एम लिखने के बाद जो मैक एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी की थी वो वहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इस मैक एड्रेस में कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कि मैंने 4B मिटाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5D, और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ और 65 टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे डिवाइस नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ETH0। ध्यान रहे कि डिवाइस का नाम करेक्ट हो, तो इसे इंटर कर दीजिए। यहाँ पे हमारा जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे पहले जो हमारा मैक एड्रेस था वो ये था, उसके बाद जो हमारा मैक एड्रेस जो मैंने असाइन किया है वो ये है। इस टूल की मदद से हम ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि रैंडम मैक एड्रेसेस जनरेट हो, मतलब और नेटवर्क के साथ जब भी हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा मैक एड्रेस चेंज होता रहे, तो इसके लिए भी इस टूल की मदद से आप वो काम कर सकते हैं रैंडम कमांड टाइप करके। तो मैं रैंडम कमांड यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं लिखूँगा MACCHANG मैक चेंजर डैश आर, और अपना जो डिवाइस नेम है वो टाइप कर दो ETH0। और यहाँ पे ये जब भी मैं नेट के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा, डिसकनेक्ट हो जाऊँगा, मेरा जो मैक एड्रेस है वो चेंज होता रहेगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं हर बार मैक एड्रेस नया मैक एड्रेस उठाऊँ। जब भी मैं नेट के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली हमारा जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे और भी सारे इंफॉर्मेशन है, ये आप खुद ट्राई कर ले। एक और कमांड है, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना वही पुराना मैक एड्रेस वापस लाऊं, मतलब उसी के साथ यूज़ करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं कमांड P टाइप करके। इसके लिए आप लिखेंगे MACCHANG मैक चेंजर, मैक चेंजर, उसके बाद जब जो हमारा कमांड हो ऑप्शन होगा -P, और अपना डिवाइस नेम लिखेंगे ETH0, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारा वही पुराना मैक एड्रेस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो करंट मैक एड्रेस था जो रेंडमली चेंज हुआ था वो करंट मैक एड्रेस है, उसके बाद जो परमानेंट मैक एड्रेस है वो हमारा ये है, और न्यू जो मैक एड्रेस है वो भी परमानेंट मैक एड्रेस सेम, दोनों सेम है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम एक नई टूल एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी अच्छी वीडियोस आते रहे। तब तक के लिए अपने दोस्त काली लिनक्स हैकर चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।